नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और स्केला डेवलपर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। सो बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों स्केला इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्केला एक जनरल पर्पस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। स्केला इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं स्केला डेवलपर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्केला डेवलपर स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से एप्लीकेशन को डेवलप करता है, एनहांस करता है, री इंजीनियरिंग करता है और मेंटेन करता है। स्केला डेवलप एप्लीकेशन के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करता है। स्केला डेवलपर बिजनेस यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, यूजर्स रिक्वायरमेंट को समझता है। अगर कोई इशू आ रहे हैं किसी एप्लीकेशन में तो उन इशू को ट्रबल शूट करना या सॉल्व करने का काम एक स्केला प्रोग्रामिंग डेवलपर को होता है का होता है। दोस्तों स्केला डेवलपर के पास स्केला प्रोग्रामिंग की एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। एक स्केला डेवलपर के पास या एक स्केला डेवलपर को पाइस्पार्क या स्पार्क या जावा 8 या मैप रिड्यूस या SDFS या हाइव या बिग डेटा और हडूप और AWS अमेज़न वेब सर्विसेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक स्केला डेवलपर के पास बिग डेटा प्रोग्रामिंग का भी एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। एक स्केला डेवलपर के पास DB डेटाबेस या ETL आर्किटेक्चर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक स्केला डेवलपर के पास बिजनेस रूल्स प्रोसेसिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक स्केला डेवलपर के पास SQL या स्पार्क SQL या क्लाउड प्लेटफॉर्म का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों एक स्केला डेवलपर के पास जावा जेनरिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक स्केला डेवलपर को बिल्ड टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होता है जैसे कि एंट या मेवन। एक स्केला डेवलपर को CI टूल्स का भी नॉलेज होता है जैसे कि जेनकिन। एक स्केला डेवलपर को लाइब्रेरीज को डिज़ाइन और डेवलप करने का अच्छा नॉलेज होता है। एक स्केला डेवलपर को जावा वर्चुअल मशीन या कॉटलिन का भी नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होते हैं। ये आपको ना केवल जॉब्स को समझने में मदद करते हैं बल्कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब पाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।